किसी और अपने पति को ना झूठा अपने ही अपने आप को मारा और ऊपर से केस कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे किसी और बंदे से वीडियो कॉलिंग कर रही है और इसका पति आज वो लड़का जेल में है। ये होटल में किसके साथ ये निकल रहे हो वहाँ से? ये होटल है ना, उससे बाहर आप निकल रहे हो, ये लड़का कौन है ये बता दो आप। हाँ हेलो, हाँ बेबी मैं ये कह रही, पता है एक आदमी आया था, कह रहा सुनील का दोस्त है, और पता है उसने वो बोला जब हम रेस्टोरेंट से निकल रहे थे ना उस दिन। सारा सच बता दो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये सारी रिकॉर्डिंग आपको किसने बोली करने को? मैं पूछ के करूंगा क्या? एक भले मानस को तुमने जेल में पहुंचा दिया है झूठा केस करके। सो भाई देख सकते हो, एक बार देखिए क्या हरकतें कर रही है, ये देखो क्या हरकतें कर रही है ये। किसी और अपने पति को ना झूठा अपने ही अपने आप को मारा और ऊपर से केस कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे किसी और बंदे से वीडियो कॉलिंग कर रही है और इसका पति आज वो लड़का जेल में है, ठीक है। किसी और लड़के से प्यार करती थी, उसके चक्कर में उस लड़के को फंसा दिया और उस कर से यहाँ पे आके देखो किसी और लड़के को। तो ये देखो भाई, ये देखा हरकतें, ये देखा ये कैसी हरकतें कर रही है, बार बार किसी को लड़के को किस कर रही है, ये देखो ये मतलब पति जेल में है और वहाँ रो रहा था, वो रो रहा था कि भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, और ये किसी और लड़के के साथ वीडियो कॉलिंग पे यहाँ पे लगी हुई है। और ये सब पूरा ड्रामा कैसे हुआ ना, एक बार खुद ही चल लो यहाँ पे, बात करता हूँ मैं, खुद ही पता चल जाएगा। हेलो मैम, किससे बात कर रहे हो? क्यों आपको क्या लेने थे ना? नहीं मैं जो सुनील है आपका पति, उसने मुझे भेजा है आपसे, कुछ दिक्कत उक्कत है, मतलब उसके ऊपर क्यों केस किया आपने? अरे आपको क्या लेना देना कुछ, मतलब मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, आपने उसके ऊपर केस कर दिया, बेचारा बहुत परेशान है, रो रहा है, समझा कीजिए ना, क्यों परेशान कर रही हैं आप यहाँ पे, मतलब आपको चोट लगा हुआ है किसी के, आप वीडियो कॉलिंग पे इस तरह की बातें कर रही हैं आप, तो और वहाँ आपका पति जेल में है, तो आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको क्या लेना देना, मैं कुछ भी करूँ मेरी लाइफ है। मैडम ये चोट कैसे लगी है, ये चोट, ये आपको पे, क्या लेना पे? देना कैसी चोट लगी, क्यों लगी? अरे मतलब मैं पूछ रहा हूँ, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो आपको कोई लेने देने की जरूरत नहीं है, मेरी लाइफ में मैं अपने हिसाब से देख लूंगी, मेरे को आपको कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको इतना ही है ना सुनील का, तो आप उससे जाके बात कर लो, उससे कंसर्न लो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैडम एक बात बताओ, आपने अपने आप को ही चोट पहुंचा के और उसको बेचारे को भोला भाला इंसान को आपने जेल पहुंचा दिया है, क्यों, मतलब क्यों किया आपने ऐसा, मतलब बस जानना चाहता हूं कि आपने उसको धोखा क्यों दिया। आपको क्या है, क्या दिक्कत है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या, आप जाते क्यों नहीं यहाँ से? क्योंकि ना आपकी सारी कुंडली निकाल के रखा हूँ मैंने, ठीक है, आपने उस लड़के के चक्कर में धोखा दिया है, शादी से पहले उस लड़के के साथ अफेयर चलता था तुम्हारा, और अभी भी तुम उस लड़के से बात कर रही हो और उसी के कहने पे तुमने ये सब ड्रामा अपने मुंह का थोबड़ा बिगाड़ के और उसको जेल में पहुंचा दिया, ठीक है, ये बात सारी मुझे पता है, लेकिन अपने पास कोई प्रूफ नहीं है, क्यों धोखा दे रहे हो अपने पति? अरे आपको क्या लेना देना, तब से बकवास करे जा रहे हो कुछ भी, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं मैं मतलब झूठ बोल रहा हूँ मैं, झूठ है। अच्छा एक बात बताओ, ये चोट आपके पति ने मारा है आपको? अरे आपको क्या लेना देना मेरी पर्सनल लाइफ। कोई नहीं, फिर आपके ना जो भी आपके मम्मी पापा है, मैं उनको फोन कर रहा हूँ, और आप क्या कर रहे हो ना इस टाइम पे, आपके मम्मी पापा को पता तो नहीं है ना कि आपने क्या कारनामा किया है यहाँ पे, सबको तो झूठ बता दिया कि पति ने मुझे कल रात में मारा है, है? जबकि अपने आप को तुमने खुद मार के अपने चोट पहुंचा के और पति को जेल भेज दिए। कोई प्रूफ है आपके पास? नहीं है ना। प्रूफ तो मेरे पास बहुत है मैम, मैं चाहूँ तो साबित भी कर दूंगा, ठीक है, लेकिन जो तुमने किया सही नहीं किया। अगर तुम्हारे पास इतनी प्रूफ है तो उसको जेल से क्यों नहीं निकाल रहे फिर? जेल से तो वो निकल जाएगा, लेकिन कि जो आप हरकतें यहाँ पे कर रहे हो ना। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा ना मुझे टाइम देके एक चीज़ बताइएगा, ये होटल में किसके साथ ये निकल रहे हो वहाँ से? ये होटल है ना, उससे बाहर आप निकल रहे हो, ये लड़का कौन है ये बता दो आप। ये आपके पास क्लिप कहाँ से आई? बस मुझे थोड़ा सा, मुझे किसी ने भेजा है ये। तो एक बात बताओ, 4 दिन पहले आप किसी और लड़के के साथ होटल से बाहर आ रहे थे और ये वीडियो है, ये लड़का कौन है बस ये बता दो आप मुझे। मेरा दोस्त है और हम वहाँ होटल में नहीं रेस्टोरेंट में गए थे, नीचे वाले। अच्छा 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 अच्छा, नीचे वाले रेस्टोरेंट में थे? हाँ। अच्छा जी, तब लग रहा गलत फहमी हो गई है। हाँ। अच्छा अभी वीडियो कॉलिंग पे किसको किस दे रहे थे मैम? मेरे कुत्ते को, मेरा कुत्ता है ना एक। अच्छा, उसको प्यार कर रही थी मैं। अच्छा 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 अच्छा, अब तो सच बोल दो, सब कुछ पीछे से देख लिया हूँ मैं, कोई लड़का था
अगर चलो लड़का भी था तो मेरा दोस्त भी तो हो सकता है ना, तो आप उसको जरूरी थोड़ी है आप कुछ भी झूठा वूटा दिखा के दिखा रहे हो। होटल का होटल भी है नहीं, वो नीचे वाला रेस्टोरेंट पे बैठे थे हम लोग। ऊपर होटल लिखा है ना, होटल लिखा है लेकिन हम रेस्टोरेंट में बैठे थे। अच्छा हाँ, लग रहा मुझे ही गलत फहमी हो गया। वही तो मैं कह रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं मैम, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ना अपने पति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। हाँ हेलो, हाँ बेबी मैं ये कह रही, पता है एक आदमी आया था, कह रहा सुनील का दोस्त है, और पता है उसने वो बोला जब हम रेस्टोरेंट से निकल रहे थे ना उस दिन, तो पहले तो कह रहा होटल से निकल रहे थे, मैंने उसे बोला रेस्टोरेंट था, हम जबकि रेस्टोरेंट से आ रहे थे तो नीचे रेस्टोरेंट नहीं वो होटल के नीचे वाला था, तो हम वहाँ से जब निकल रहे थे उसने हमारी क्लिप बना रखी है कि रेस्टोरेंट से निकल रहे थे, हाथ पकड़ा था मैंने तुम्हारा, तो वो सारी क्लिप दिखा रहा था। और पता है उसने वाली वो अभी वीडियो कॉल करी थी तो भी देख रहा था, पता नहीं कौन था, चाहिए पूरा था बेफालतू का। हाँ जो रेस्टोरेंट से निकल रहे थे हाथ पकड़ के, वाली क्लिप दिखाई उसने मेरे को, और देखो ऐसे दिखा रहा था कि जैसे मैंने गलत किया, तो मतलब हाँ मतलब हमारी गलती थी, लेकिन यार उसके पास क्लिप कैसे आई यार, डर लग रहा है कहीं वो केस वेस तो नहीं हो जाएगा, या वैसे ही बहुत पीक में चल रहा है अभी, उसका कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा यार, उल्टा पासा ना फंस जाए हमारे ऊपर। हाँ वही तो मेरे को डर लग रहा है यार, पता नहीं नाम नहीं पूछा मैंने उसका कि नाम क्या था, सुनील का दोस्त था कह रहा था, नहीं जानती नहीं हूँ मैं उसको, पता नहीं कौन सा दोस्त है। हाँ 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 अच्छा हाँ देखती हूँ, मेरे को पता चलेगा ना अब तो मैं तुम्हें शेयर करती हूँ पता नहीं कौन है। ठीक है हाँ ठीक है, मैं कॉल करती हूँ फिर, ठीक है चलो बाय। मैडम वो मेरी ना माइक रह गई थी यहाँ पे, ये माइक में ना सब कुछ रिकॉर्डिंग चल रहा है, सामने कैमरा लगा हुआ है, जो तुम अभी बातें बोली हो ना पूरे लोग लाइव सुन रहे हैं। अब तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दिया है या तुमने उसको धोखा दिया है ये सच बता दो, आप सारी चीज़ सच बता दो, वरना जिस वकील के तरफ से और जिस थाने में जाके तुमने जो कंप्लेन किया है ना ये वीडियो मैं ले जाके दिखाऊंगा, सारा सच बता दो। खड़े हो जाओ। ये सारी रिकॉर्डिंग आपको किसने बोली करने को? मैं पूछ के करूंगा क्या? एक भले मानस को तुमने जेल में पहुंचा दिया है झूठा केस करके, है मतलब पहले प्यार के जाल में फंसा के पहले शादी कर ली, शादी करके अब उससे मन नहीं लग रहा है तो उसको जेल भेज दिया, दूसरे यार से बात करना चालू कर दी, क्या बना रखा भाई तुमने? है उस बेचारे के बारे में सोचा उसके साथ जेल में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा? जेल में 5 रुपया तक नहीं है उसके पास कुछ खाने को, कभी सोचा उसके बारे में? ये रिकॉर्डिंग डिलीट करो आप। रिकॉर्डिंग नहीं, एक बात बताओ, ये तुम अपने गले पे निशान मार के ये और अपने सर पे निशान मार के तुमने उसको जेल पहुंचा दिया, और फुल यहाँ में मजा कर रही हो तुम, कभी किसी के साथ यहाँ खाने जा रही हो, कभी इस होटल में जा रही हो, कभी उस होटल में खाने के लिए जा रही हो, ये क्या है भाई? खुद तुम यहाँ इंजॉयमेंट कर रही हो, वहाँ पे अगले के पास एक कुछ खाने तक के पैसे नहीं है। आपको किसने बोला? अगर एक बात बताओ, अगर आपको प्यारी किसी और से था तो उससे शादी क्यों की आप, ये बता दो आपको। ठीक है ना, रिकॉर्डिंग डिलीट करो, अपने पैसे लो और इस बात को। किस बात के पैसे दोगे? अरे तो इस सबको रफा दफा करते हैं अपने बीच। मुझे कोई रफा दफा नहीं करना, मैं कोई वकील नहीं लग रहा हूँ, ठीक है? बस जो आपने हरकतें की है ना ये चीजें मैं बता दूँ आपके पति को कि आपने ये हरकतें की है। यार क्यों ऐसा कर रहे हो बेफालतू की, क्यों केस को बढ़ा रहे हो? खत्म करते हैं ना इस बात को, तुम 1,00,000 रुपए लो और चुप हो जाओ। मुझे 1,00,000 रुपए नहीं चाहिए, मुझे 1 भी रुपया नहीं चाहिए, लेकिन जो तुमने किया है ना सही नहीं किया है, बस इतना जान लो। क्यों नहीं समझ रहे आप, इस चीज को डिलीट कर दो ना, खत्म कर दो बात को। उस लड़के को तुम केस वापिस लोगी? हाँ, मैं केस उस लड़के को जेल से छुड़ा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रिकॉर्डिंग डिलीट कर देना। हाँ मैं डिलीट कर दूंगा पक्का, लेकिन उस लड़के को जब तक तुम छुड़ाओगी जाके थाने में कंप्लेन वापस नहीं लोगी, हाँ। तब तक ये वीडियो मेरे पास ही रहेगा। ठीक है, वापस लोगी ना? पक्का वापस। सारा सच कुछ बता दूंगा, वरना तुम्हारे सब कुछ थाने में जाके वापस ले लोगी ना? हाँ ठीक है। अगर वो लड़का कौन है जिससे तुम अभी बात कर रही थी? बॉयफ्रेंड था मेरा। बॉयफ्रेंड था, चलिए तो वापस ले लीजिए, वरना आपके साथ सोच भी नहीं सकते क्या बुरा हो जाएगा। ठीक है।